यार अब परफ्यूम के ऊपर तो एक अलग यूट्यूब वीडियो बनानी पड़ेगी कि सस्ते में बढ़िया चलने वाली परफ्यूम कौन सी लगाएं, कैसे पहचाने। नीचे कमेंट करके बता देना अगर परफ्यूम पे एक यूट्यूब वीडियो। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा मेरे भाई, तुम्हारा ना भाई हूँ। अगर तुम्हें कोई वचन दे दिया, अगर मैंने अपना वर्ड दे दिया ना, वो मैं चीज करके रहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस वीडियो में ना मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं आपको अपने हिसाब से क्या बढ़िया बढ़िया परफ्यूम रिकमेंड करूँ, सारे ब्रांड से करूंगा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसके अलावा अगर आपको अगली बार शॉपिंग करने जाना है परफ्यूम की, तो क्या शॉपिंग गाइड आपको फॉलो करना चाहिए एक बढ़िया परफ्यूम लेने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और वो ऐसी परफ्यूम होगी ना मेरे भाई, ऐसी खरीदवाऊंगा दुनिया कॉम्प्लीमेंट करेगी। और मेरे भाई दुनिया का मतलब दुनिया नहीं, लड़कियों की मेरे भाई बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि ना एक मैं आपको फैक्ट बता दूं, लड़कियां चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, बट लड़कियां तुम्हें देखने से पहले तुम्हें और ये इसीलिए भी होता है क्योंकि ना लड़कियों का ये जो ये नोज पावर होती है ना, ये डेढ़ गुना हमसे ज्यादा होती है, वो ज्यादा बेटर स्मेल कर सकती है। तो मेरे भाई आपको एक और छोटी सी चीज बता दूं, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज कर सकती है आपकी परफ्यूम। विश्वास नहीं होता ना आपको ऐसी फ्लर्टिशियस परफ्यूम खरीदवाऊंगा, आप बोल नहीं पाते होगे ना उससे, बट आपकी परफ्यूम बोल देगी। अब तुम सोचोगे यार परफ्यूम पागल बना रहा है। अरे नहीं मेरे भाई, एरोमा थेरेपी के बारे में आपने सुना है? एरोमा थेरेपी होता है कि आपको स्मेल करवा के आपका मूड चेंज करवा सकते हैं। कभी आप 5-star या बढ़िया बढ़िया होटल या फिर बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स गए हो, चलो जो दिल्ली वाले लॉन्डे है ना वो मुझसे जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। एम्पोरियो शॉपिंग मॉल है हमारे यहाँ पे, बहुत लग्जूरियस शॉपिंग मॉल, सारे लग्जरी ब्रांड है। वहाँ पे जब हम घुसते हैं ना एक अलग ही स्मेल आती है और वो बारीकी समझती है ऐसी कंपनियां। इसके अलावा आप जो भी परफ्यूम या डीओ वगैरह यूज कर रहे हो ना, उसको और ज्यादा लॉन्ग लास्ट कैसे कर सकें, उसके जो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स है ना वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे भाई कर डालो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाई डालो यार, अब वीडियो शुरू कर। एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, सबसे पहले यार कभी भी शॉपिंग करने जाओ ना, अगर तुम पहली बार शॉपिंग करने जा रहे हो परफ्यूम की, एक कोई लड़की साथ ले जाओ, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड, चाहे तुम्हारी मम्मी बहन दोस्त, किसी को भी ले जाओ, उनको ज्यादा नॉलेज होती है, जैसे मैंने इनिशियली भी बताया। चलो जी अब आप परफ्यूम लेने चले गए मेरे भाई, आप सबसे पहले पता है क्या देखोगे उसके इंग्रेडिएंट्स में, किसी के ऊपर लिख रखा होगा EDT, किसी के ऊपर लिखा होगा EDP, क्या बांग घोसड़ा है अब ये नया। तो मेरे भाई आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, ये जो फ्रेग्रेंसेस होती है ना, ये अपने फ्रेग्रेंस ऑयल के हिसाब से 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। हमें सिर्फ 2 कैटेगरी समझनी होगी, इंडिया में यही 2 कैटेगरी मिलती है। EDP में ज्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल होगा आराम से 12-15%, और EDT में कम फ्रेग्रेंस जिससे 10-12%। और जैसे ही हम फ्रेग्रेंस ऑयल बढ़ाते रहते हैं वैसे ही अल्कोहल कम होता रहता है, बट वैसे ही प्राइस भी बढ़ता रहता है। बट मैं तो आपको सस्ते में सारी चीजें बताऊंगा, तो उसकी टेंशन लो ही मत। बट फ्रेग्रेंस ऑयल जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी जो परफ्यूम है वो ज्यादा लंबी चलेगी और मेरे भाई ज्यादा स्ट्रांग उसकी स्मेल आएगी। बट अभी हम पहली गलती की बात कर रहे हैं जब तुम स्टोर पे जाके करते हो, और वो ये कि वो पेपर वाली स्लिप नहीं देते जिसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ऐसे झटकते हैं और फिर बोलते हैं स्मेल करो। यार आपकी ना बॉडी केमिस्ट्री अलग है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपकी बॉडी को कोई और हो सकता है परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट करे और आपके दोस्त की बॉडी को कोई और परफ्यूम। नहीं आया ना समझ, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं करेगा एडिटिंग करते वक्त, अगर उसको ही समझ नहीं आएगा और वो ऑडियंस को भी समझाने के लिए एक अलग क्लिप बना देगा एडिटिंग करते वक्त। तो मेरे भाई मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपकी ना बॉडी की स्मेल अलग होती है, आपके दोस्त की बॉडी की स्मेल अलग होगी। कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस लोगे जो आपकी बॉडी की स्मेल के साथ मिक्स होके एक ब्यूटीफुल स्मेल देगी? अब समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आप स्मेल करो ना, पहले 15 मिनट या पहले एक्चुअली 40 मिनट में तो जज ही मत करो। वो इसीलिए क्योंकि हर एक फ्रेग्रेंस की ना 3 फ्रेग्रेंस नोट होते हैं, एक टॉप नोट, एक हार्ट नोट, एक बेस नोट। अब तुम सोचोगे भाई ये क्या बवासीर है, ये क्या कर रहे हो? मेरे भाई वो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप एकदम से स्मेल कर लेते हो ना, तो ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, ये जो टॉप का नोट है ना, ये बढ़िया करके रखते हैं और ये सिर्फ 15 मिनट लास्ट करते हैं। जो इनका हार्ट नोट होता है ना जो 2-3 घंटे चलता है, वो मेरे भाई ऐसा टुच्चा कर देंगे, और बेस नोट तो खैर पूछो ही मत। तो मेरे भाई आपका कटने से बच रहा है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। थोड़ी सी हो सकता है आपको लगे कि पढ़ाइयाँ हो रही है यहाँ पे, तो पढ़ाइयाँ चल रही है, बट यार देखो आपका कटने से बच रहा है ना, तो समझ लो। तो मेरे भाई अब 40 मिनट मतलब मॉल में इधर उधर चक्कर वक्कर मार के आ जाओ, बाकी इधर उधर का देख लो, तभी आपको समझ आएगा, या फिर रिव्यूज ले लो कि भाई ये परफ्यूम के रिव्यूज कैसे हैं, वो आपको ज्यादा बेटर पता पाएंगे। नहीं तो ऐसे ना स्मेल करके ज्यादा पता नहीं लगेगा। जैसे स्पेशली अगर आप ज़ारा के परफ्यूम्स लोगे ना भाई, उसका टॉप नोट वो इतना बढ़िया कर देते हैं, ऐसा स्मेल
आती है, ओए होए क्या कमाल है, बट लास्ट लॉन्ग ही नहीं करती वो, इसलिए क्योंकि तुम पहले 15 मिनट में डिसीजन ले लेते हो। मेरे भाई एक छोटी सी और टिप दे दूं, कभी वहां पे आपने देखा है कॉफी बीन्स की एक छोटी सी बास्केट होगी, वो इसीलिए क्योंकि आप एक बार स्मेल करते हो ना, फिर आप दूसरी फ्रेग्रेंस स्मेल करने लगते हो, उससे पहले ना कॉफी बीन स्मेल कर लो, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी स्मेल, ताकि आपको दूसरी फ्रेग्रेंस की स्मेल अच्छे से आ पाए। बट अभी तक किसी ने नोटिस करा कि मैं ना फ्रेग्रेंस में सिर्फ परफ्यूम ही बोल रहा हूँ, डीओ का अभी तक नाम ही नहीं लाया यार। वो इसीलिए क्योंकि ना डीओ मेरे को स्पेसिफिकली लगता है जब हमारे पसीने पसीने आ रहे हैं, बिल्कुल वर्कआउट शोकआउट करा है, फुटबॉल खेला है और अभी हम नहा नहीं सकते, बट एटलीस्ट हमें अभी थोड़ा ठीक ठाक स्मेल करना है, तो ये डीओ ठीस मारी और भाई निकल पड़े। प्रेगनेंस होती है भाई एक क्लास चीज, नहा के निकले हो तभी जटाजट थिस लगाओ और नेक्स्ट लेवल। तो मेरे हिसाब से ना फ्रेग्रेंस में मैं इसीलिए सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम को ही काउंट करता हूँ। डीओ का अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी आपको बताऊं, बट उससे पहले एक चीज मेरी सुन लो, डीओ आपको 200-300 रुपए की अच्छी मिल जाती है, परफ्यूम में भाई आपके थोड़ा सा ना और ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बट क्लास लाएगा। बट जरूरी नहीं है जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आपको 5-10 हज़ार की बड़ी महंगी महंगी परफ्यूम बता रहे हैं वो आपको लेना हो, मैं आपका जुगाड़ कर दूंगा, आपका बहुत सस्ते में कर दूंगा, एक परफ्यूम ले लेना मेरे भाई, आपका 3-4 महीने निकल जाएंगे और नेक्स्ट लेवल स्मेल करते रहोगे। बट इससे पहले मैं जो अपने पर्सनल एक ओपिनियन बताना चाहता ना डीओज वगैरह पे, यार ये देखो अपने भाई लोगों के लिए एक छोटा सा मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये जो ये बहुत फेमस ब्रांड्स है ना, ये जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डीओ है जो आपके दिमाग में नाम आ रहा है वो सारी के सारी, वेदर इट्स फॉग, वेदर इट्स नीविया, यार इसके कभी इंग्रेडिएंट्स देखो यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब ब्यूटेन होता है ना इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट मिल जाएगा आपको, एलपीजी में यूज होते हैं ये, ट्रिक्लोसान ये पेस्टिसाइड्स में आ रहा है, टॉक्सिन्स पैराबेंस भर रखे हैं मेरे भाई, वो चीज ना आपकी स्किन को इरिटेट कर देंगे और मेरे भाई स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ा देंगे। बट अगर आपका बजट बहुत ही कम है, आपको वही 100-200 रुपए वाली डीओ चाहिए, ठीक है, उसमें भी मेरे कुछ फेवरेट्स हैं, जैसे आप एक्स की डार्क टेम्पटेशन ले सकते हो, एक बहुत महंगी परफ्यूम आती है बर्बरी की, ब्रिट रिदम भाई बिल्कुल सेम स्मेल है उसकी जैसी भाई, बहुत कमाल की चीज। उसके अलावा आप कामा सूत्रा की ऑन ले सकते हो, वो एक होती ना सेक्सुअल स्मेल, वो इसमें मिल जाएगी। युवान मस्क ले सकते हो, इसमें आपको स्वीट सी स्मेल मिलती है। इसके अलावा आप रेमी लटोर ले सकते हो, अब ये फ्रेंच परफ्यूम है, सस्ती मिल जाएगी और भाई इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा उमदा है, मतलब पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिगरेट टाइप स्मेल आती है, जिनको भी सिगरेट से बहुत ज्यादा प्यार है ना उनके लिए परफेक्ट है, या फिर जिनकी लड़कियों को सिगरेट से बहुत ज्यादा प्यार है उनको अच्छी लगती है सिगरेट। अब देखो ये जो परफ्यूम की स्मेल है ना, दे आर बेस्ड ऑन सिट्रस फ्रूट स्पाइसेस या फिर इवन वाटर, तो यहाँ पे जो शौकीन लोग होते हैं ना वो तो ये बोलते हैं दिन के अपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग परफ्यूम भी चाहिए होते हैं, जैसे डे टाइम पे थोड़ी लाइट, थोड़ी ऐसी कि शार से जस्ट बाहर निकले वैसी स्मेल होनी चाहिए फ्रेश सी, रात को थोड़ी हार्ड हिप हॉप वाली बिल्कुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। बट यार अपन लोगों को पता है कि अपने पास साले पैसे ही एक परफ्यूम खरीदने, क्योंकि परफ्यूम वैसी मैंने आपको बताया महंगी आती है, तो सबसे पहले एक लो, उसके बाद मे बी लाइट ले सकते हो आपके दिन के लिए, तो अभी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग ले रहा हूं। और मैं रिकमेंड करता हूं आपको ये काफी सारी परफ्यूम्स, जैसे कि रसासी कंपनी आपको Amazon ऑनलाइन वगैरह मिल जाएगी, उसकी दारेज करके एक आती है फ्रेग्रेंस, ओ मेरे भाई स्वीट स्पाइसेस से बन रही होती है मोबला, इतनी महंगी फ्रेग्रेंस आती है उसकी, ऑलमोस्ट एक फ्रेग्रेंस की एक कॉपी है, कमाल की परफ्यूम है, ऊद के साथ फ्रूट की फ्लेवर को इतने मस्त तरह से ये प्लेस कर रहा ना इस परफ्यूम में, कमाल मेरे भाई, लास्ट लॉन्ग का तो पूछो ही मत, जो भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं ना लास्ट लॉन्ग ऐसा है कि एक बार आपने परफ्यूम लगाई कल परसों भी आपने वो ब्लेजर पहनोगे ना उतनी तगड़ी स्मेल आई। अजमाले कंपनी आपने शायद से नहीं सुन रखी होगी, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी, उसकी सिल्वर शेड ओहो भाई टी जैसी स्मेल होती है ना, जो मसाला टी वाली स्मेल होती है वो इसके अंदर आती है, बहुत कमाल की परफ्यूम। उसके बाद यही कंपनी के अजमाल की इस्ट्रोकार्ट, ओ भाई ये ना थोड़ी सी हो सकता है एक्सपेंसिव साइड पड़े बट बहुत कमाल की, बहुत बहुत ही ज्यादा कमाल, अरमाफ क्लब डे नू एक परफ्यूम है मेरे भाई, ऑलमोस्ट सेम स्मेल, अगर ये आपने लगा ली दिन के 100 कॉम्प्लीमेंट्स मेरी गारंटी, सोचो यार 65,000 वाली स्मेल ऑलमोस्ट आपको 1,500 में क्या दी। और एक बियर्डो की डार्क साइड, अब ये आप चीजों को लगाओगे कैसे वो मैं आपको समझा रहता हूँ, क्योंकि भाई आपको मैंने 10,000 की भी परफ्यूम पकड़ा दी ना, आपने वो थिस कपड़ों पे लगा दी, वेस्ट ऑफ मनी और अपने कपड़े भी आप वेस्ट करोगे। ये जो फ्रेग्रेंस ऑयल होती है ना आपके कपड़े डैमेज कर देता है, इसलिए बोलते हैं पल्स पॉइंट पे लगाया करो, पल्स पॉइंट ठीक है, यहाँ पे लगाओ मेरे भाई, शोल्डर पे लगाओ और ना कोम पे थिस करो और बाल पे सिर्फ एक बार कोम कर दो। इसके अंदर ना अल्कोहल होता है, आपके बाल खराब कर सकता है अगर आपने डायरेक्टली स्प्रे कर दिया, आपने ऐसे कोम से करा ना
ओहो मेरे भाई पूरे दिन आपसे ओवरऑल 360 डिग्री महकती रहेगी स्मेल, ये मैं आपको बता देता हूँ। परफ्यूम को और भी ज्यादा देर लॉन्ग लास्ट करना है तो मेरे भाई वैसलीन या कोई भी पेट्रोलियम जेली अपने पल्स पॉइंट पे लगाओ, कान के पीछे लगाओ, फिर परफ्यूम लगाओ शोल्डर पे। भाई इससे क्या होता है कि आपका ना, और ये जो ये पल्स पॉइंट पे मैं लगवा रहा हूँ और आपके कपड़ों पे नहीं लगवा रहा है, इसका एक और फैक्टर है, एक और लॉजिक है, और वो ये कपड़े गर्म नहीं होंगे, बट जैसे जैसे आपका पल्स पॉइंट, आपकी धड़कने बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे यहाँ पे गर्म गर्म हो जाएगा, गर्म गर्म होगा तो ये जो ये फ्रेगनेंस है ये उड़ने उड़ने लगेगी, लोगों को महकने लगेगी, लड़कियों के नाकों में जाएगा, वो बोलेंगे अरे अमित कमाल है यार। इतनी टिप्स ही दे रहा हूँ, एक और टिप दे दूं, जो अपनी परफ्यूम की बॉटल है ना वो अंधेरी डार्क जगह पे स्टोर करा करो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं हो, टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। बाथरूम में तो बिल्कुल मत रखा करो मेरे हिसाब से भाई, मैं तो डब्बे के अंदर। अच्छा जरा ये बता सकते हो कॉमेंट करके कि ये कौन सी परफ्यूम है? पिछली वीडियो में बता रखा है, एक छोटा सा हिंट दे दूं यार, ये ज्यादा तो नहीं दे दिया, चलो कमेंट करके बता देना अगर ये आपको पता लग गया कि ये कौन सी परफ्यूम है। और जितनी भी इस वीडियो में मैंने आपको परफ्यूम्स बताई है ना भाई, 2000 तक बिल्कुल आ जाइए। बियर्डो वाली तो भाई 500 रुपए की है, तो आपको काफी लोग बोल रहे होंगे 5000 की लो, 10000 की लो, सस्ता हो जाता है जब काम, तो सस्ते में कर रहे हो क्योंकि अफोर्डेबिलिटी तो मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि यार अपन वाला सीन है यार सब चीजें। बाकी यार वीडियो खत्म करते हैं, अच्छी लगी तो प्लीज बताना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, और बस यार तुम्हारा भाई चलता ही। एक सेकंड अंगूठियां सेट करा। अच्छा ये अंगूठियों का फैशन है, समझना हो तो नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या, नहीं तो कुछ भी टॉपिक बता देना यार, वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोल रखा है वादा करा, कौन सा गाना था वो, चलो छोड़ो, तुम्हारा भाई चलता है।